Dear students, this is Praveen Kumar Garhwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Scope of Managerial Economics. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स में हम किन किन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को इसके स्कोपिंग एरिया में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि वो कौन कौन से एरियाज हैं बिजनेस के रिगार्डिंग जहाँ हम मैनेजर इकोनॉमिक को प्रॉपरली यूज़ करते हैं. जब हम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में उसके मेन पर्पस की बात करते हैं या उसकी सेंट्रल थीम की बात करते हैं, देन इट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्कआउट करती है और बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके वो इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अराउंड मूव होते रहते हैं. लेकिन उसका जो सेंट्रल थीम है वो प्रॉफिट मोटिव ही होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही होता है. इसका मतलब हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में जो भी स्कोपिंग एरियाज या स्कोपिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे उनका केवल केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट को एनालाइज करना जिससे कि उसको प्रॉपरली मैक्सिमाइज किया जा सके. तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम मैनेजर इकोनॉमिक्स के स्कोप को कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग, जिसे हम डिमांड डिसीजन का नाम देते हैं. सेकेंड वन इज द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, जिसे हम इनपुट आउटपुट डिसीजंस का नाम देते हैं. थर्ड वन इज द मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, जिसे हम प्राइस आउटपुट डिसीजन का नाम देते हैं. फोर्थ वन इज द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, विच इज नोन एज द प्रोजेक्ट अप्रोजल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. एंड द लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, इज नोन एज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, विच इज पॉपुलरली नोन एज द इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग. तो इस तरह से इन पर्टिकुलर फाइव कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कंप्लीट स्कोप को डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग. तो डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिमांड फंक्शन. क्या होता है डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन जस्ट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, और वी कैन सी दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फैक्टर. तो क्वांटिटी डिमांडेड और इसके डिटर्मिनेंट्स या अफेक्टिंग फैक्टर्स के बीच में जो एक फंक्शनल रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसको हम डिमांड फंक्शन का नाम देते हैं. और जब हम डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हम प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज की बात करते हैं, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स की बात करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इसके अफेक्टिंग फैक्टर में इंक्लूड करते हैं. इन अफेक्टिंग फैक्टर के बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड को प्रॉपरली मेजर किया जा सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज करिए कि आप एक इंडियन एयरलाइन टिकट को बुक कराना चाहते हैं, तो उसको बुक कराते समय यानी कि उसको परचेज करते समय आप कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करेंगे, ठीक है? और उन फैक्टर्स में से कौन कौन से मेन फैक्टर्स होंगे? सबसे पहले आप देखेंगे जो इंडियन एयरलाइन टिकट है उसका प्राइस कितना है. सबसे पहले तो आप प्राइस को कंसीडर करेंगे. सेकंड फैक्टर देखेंगे आप कि जो अदर एयरलाइंस हैं उनके टिकट के क्या प्राइस हैं, उसको भी आप कंसीडर करोगे. एयर फ्यूल के प्राइस क्या हैं, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, और भी अदर फैक्टर्स होंगे जैसे आपकी एयर के थ्रू ट्रैवलिंग करने की प्रेफरेंस क्या है, वेदर यू वॉन्ट टू गो through the traveling by air or not, इसके रिगार्डिंग आपकी प्रेफरेंस क्या है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए आप क्या करोगे, आप इंडियन एयरलाइन टिकट को बुक कराओगे. इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे कि आपकी एज पर डिपेंड करने वाला फैक्टर हो सकता है. जैसे अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो इसका मतलब आपको एक कंसेशन भी मिल सकता है. तो इन सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करते हुए ही इंडियन एयरलाइन टिकट को बुक करोगे. ऐसे ही जब कोई भी पर्टिकुलर मार्केटर अपने प्रोडक्ट के डिमांड के रिलेशन में स्टडी को फोकस करता है तो उसको उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ता है, और इन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है अंडर द कॉन्सेप्ट डिमांड एनालिसिस. टू एनालाइज डिमांड, वन हैज टू डिमांड एस्टिमेट द डिमांड फंक्शन. और अगर आपको डिमांड को एनालाइज करना है तो इस डिमांड को एनालाइज करने के लिए आपको प्रॉपरली डिमांड फंक्शन को ही एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड फंक्शन को ही एस्टिमेट करने के बाद आप प्रॉपरली डिमांड के रिगार्डिंग एनालिसिस को फाइनलाइज कर सकते हो.
और इस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन के बेसिस पर आप क्या करते हो, जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड फंक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं उनके कोफिशियंट की करंट वैल्यू को प्रॉपरली फाइंड आउट किया जाता है। तो हम इसको नाम देते हैं डिमांड एनालिसिस, और इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड के रिगार्डिंग भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है डिमांड को एस्टिमेट करने के रेफरेंस में, दिस पॉपुलर टेक्निक इज नोन एज द रिग्रेशन टेक्निक। तो रिग्रेशन टेक्निक ये वो टेक्निक होती है जिसके हेल्प से आप प्रॉपरली डिमांड को फ्यूचर में और प्रेजेंट में एस्टिमेट कर सकते हो। डिमांड एनालिसिस के साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट है इसके अंदर डिमांड फॉरकास्टिंग। क्या होती है डिमांड फॉरकास्टिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज फॉर डिमांड इन फ्यूचर टाइम पीरियड, यानी कि फ्यूचर टाइम पीरियड में डिमांड की वैल्यूज को फाइंड करने की प्रोसेस को हम डिमांड फॉरकास्टिंग का नाम देते हैं। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जो मार्केटर होता है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरेस्टेड होता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी। तो इस पर्टिकुलर फीचर की डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे हम डिमांड फॉरकास्टिंग का नाम देते हैं। और डिमांड फॉरकास्टिंग को प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होता है, हमें करंट वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके बेसिस पर हम ऑप्टिमल करंट प्राइसिंग और प्रमोशनल पॉलिसीज को भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट ये है यहाँ पर कि एक तो होती है करंट वैल्यूज़ कि डिमांड की करंट वैल्यूज़ कितनी है, और दूसरी आपको चाहिए डिमांड की फ्यूचर वैल्यूज़। जब आप डिमांड की करंट वैल्यूज़ को प्रॉपरली एस्टिमेट कर लेते हो तो उसके बेसिस पर आप करंट प्राइसिंग और प्रमोशनल पॉलिसीज़ को ऑप्टिमम वे में डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास फ्यूचर वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं डिमांड के रिलेशन में, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हो, फ्यूचर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड इन्वेंट्रीज की प्लानिंग कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेशन में डिसीजंस को फाइनलाइज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे डिसीजंस हैं जो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू पर लिए जाने चाहिए, उनको आप फ्यूचर वैल्यूज ऑफ डिमांड के बेसिस पर प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकते हो। ये फायदा होता है डिमांड फॉरकास्टिंग का। इसी वजह से डिमांड के करेक्ट एस्टिमेट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जिसके बेसिस पर डिसीजंस को प्रॉपरली फाइनलाइज किया जा सके, कंपनी की मार्केट पोजीशन को प्रॉपरली स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड किया जा सके और कंपनी के प्रॉफिट्स को लगातार एनलार्ज किया जा सके। क्योंकि जितना करेक्ट वे में आप डिमांड को एस्टिमेट करोगे फर्म की प्लानिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी, डिसीजन मेकिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी फर्म की, उसके बेसिस पर मार्केट में अपनी पोजीशन को प्रॉपर वे में इम्प्रूव कर सकेगी कंपनी और स्ट्रांग वे में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर सकेगी, और इसके बेसिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न करने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और इन टेक्निक्स को हमने दो पर्टिकुलर पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। पहली कैटेगरी होती है इसके अंदर, दैट इज़ नोन एज द क्वालिटेटिव मेथड्स, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स जैसे कि मार्केट सर्वे, एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ऐसे और सारे और भी इसके अंदर टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है और उसके बेसिस पर फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट किया जाता है। और क्वांटिटेटिव मेथड्स में रिग्रेशन मेथड्स, टाइम सीरीज मेथड्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ये जो टेक्निक्स होती हैं इनके बेसिस पर हम फ्यूचर डिमांड को प्रॉपरली फॉरकास्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्कोप ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स विच इज नोन एज द डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। नाउ वी कम टू द सेकेंड स्कोप और स्कोपिंग एरिया ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये एक पहलू है कॉस्ट और दूसरा पहलू है प्रोडक्शन। तो पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में इसके फिजिकल एस्पेक्ट को डिफाइन करता है। जब हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इनपुट्स का यूज करते हुए इसे एक या डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट इज नोन एज द प्रोडक्शन। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन को
मैक्सिमाइज लेवल पर ले जाना चाहती है तो उसके लिए प्रोडक्शन की एफिशिएंसी सबसे बड़ी कंडीशन होती है. एफिशिएंसी प्रोडक्शन इज मोस्ट कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो इसके लिए रिसोर्सेज या इनपुट्स को परचेज करता है और इसके रेफरेंस में एक प्राइस भी पे करता है. तो इसी वजह से वो चाहता है कि जो इसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी हो वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो, वो एफिशिएंट हो. प्रोडक्शन जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना ही प्रोड्यूसर को एडवांटेज होगा. एडवांटेज क्यों होगा, क्योंकि एफिशिएंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को फॉलो करना. यू आर यूजिंग लेस ऑफ द इनपुट्स एंड यू आर प्रोवाइडिंग मोर ऑफ द आउटपुट्स. द लेस ऑफ द इनपुट और लेस ऑफ द इनपुट्स आर यूज बाय द बिजनेस फर्म और प्रोडक्शन फर्म एंड मोर ऑफ द आउटपुट्स आर प्रोवाइडेड, तो हम कहेंगे उस प्रोडक्शन को एफिशियंट प्रोडक्शन. तो एफिशियंट प्रोडक्शन में जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है उसका लेवल क्या होता है, वो लेवल कम होता है, जबकि आउटपुट का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है. इसी वजह से एफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए एक मस्ट कंडीशन होती है. लेकिन जब हम एफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं देन इट डिपेंड्स on the ratio in which various inputs are employed, absolute level of each input and the productivity of each input. ये different factors पर depend करती है. कौन? Efficiency of production. जैसे कि हमने inputs को किस ratio में mix किया है, employed किया है, क्योंकि हम different type के inputs का use करते हैं. Economics according, land, labor, capital, entrepreneur, ये चार main factors of production होते हैं जिन्हें हम inputs का नाम देते हैं production के point of view से. तो इन पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस रेशियो में मिक्स किया गया है, एम्प्लॉयड किया गया है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कितनी होगी. हर इनपुट की एब्सोल्यूट लेवल क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और हर इनपुट की अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी किस लेवल पर होगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट डिफाइंस द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. यानी कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का जो फिजिकल या टेक्निकल रिलेशन होता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन का नाम देते हैं. इट गिव्स अस द टेक्निकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट गिविंग द इनपुट्स. यानी कि जब हमें इनपुट्स दे रखे होते हैं तो इन इनपुट्स के बेसिस पर हम किस तरह से टेक्निकली एफिशिएंट वे में आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में एक प्रॉपर फंक्शनल रिलेशन प्रोवाइड करता है हमें प्रोडक्शन फंक्शन. इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल कॉमा के कॉमा सी कॉमा ई, जहाँ जो क्यू है वो फिजिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल क्वान्टिटी ऑफ लैंड, के क्वान्टिटी ऑफ लेबर, सी क्वान्टिटी ऑफ कैपिटल और ई क्वान्टिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये इस पर डिपेंड करेगा, जितना हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स को बढ़ाते चले जाएंगे आउटपुट भी उस रेशियो में बढ़ेगा. बट क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर कि हम इनपुट का जो इंक्रीमेंट होता है वो कम से कम करें और उसके बेसिस पर आउटपुट में इंक्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तब प्रोडक्शन की एफिशिएंसी हाईएस्ट लेवल पर होती है. क्लियर? नाउ अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं. दूसरा पहलू क्या है इसका, सेकेंड एस्पेक्ट इज कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट प्रोडक्शन की मॉनेटरी साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसे डिफरेंट टाइप के फिजिकल इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोक्योर करना है, तो प्रोक्योर करने के लिए इसे इन रिसोर्सेज को परचेज करना पड़ेगा या फिर हायर करना पड़ेगा, तभी तो प्रोक्योर कर सकता है, क्योंकि बिना इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्शन पॉसिबल हो नहीं सकता. अब प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता तो इनको परचेज तो करना ही होगा या फिर इनको हायर करना होगा. तो इनकी परचेजिंग में और हायरिंग में जो भी एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर्स की तरफ से इनकर्ड किए जाते हैं उनको हम इनकी कॉस्ट के नाम से जानते हैं. तो अगर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा तो कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी ही होगी, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस इनकर्ड करने होंगे इन इनपुट्स को अवेलेबल कराने के लिए. अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है इसके अंदर दैट इज नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम शॉर्ट टर्म के या शॉर्ट रन के बेसिस पर बात करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के फिक्स्ड इनपुट्स को अरेंज करने के लिए उन पर जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं उन्हें हम फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं. अब ये फिक्स्ड इनपुट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लैंड परचेज करनी है, बिल्डिंग को अरेंज करना है, प्लांट को आपको मेंटेन करना है, प्लांट को इंस्टॉल करना है,
डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स को आपको इंस्टॉल करना है, मशीनरीज को इंस्टॉल करना है, तो इन पर जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, और दूसरे होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या एक्सपेंसेस होते हैं? दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द वेरिएबल इनपुट्स, जैसे कि वर्कर्स हैं, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो भी वेरिएबल इनपुट्स हैं उन पर आप जो भी अमाउंट इनकर्ड करते हो वो आपके वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट में जब आपका आउटपुट यानी कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट को इनकर करना ही करना होता है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाते हो, वेरिएबल कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करती है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे लेवल ऑफ आउटपुट जीरो है, चाहे अपने मैक्सिमम लेवल पर है, चाहे अपने मिनिमम लेवल पर है, या फिर किसी भी लेवल पर है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, ये कॉन्स्टेंट रहती है। ये तो इनकर करनी ही करनी होती है अगर एक यूनिट को एस्टेब्लिश किया जाता है। और इस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर फर्म अपनी टोटल कॉस्ट को डिसाइड करती है। यानी कि अगर फर्म के पास प्रोडक्शन फंक्शन की अवेलेबिलिटी हो, प्रोडक्शन फंक्शन उसे दे रखा हो, तो इस प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पर फर्म कॉस्ट एस्टिमेशन और कॉस्ट फॉरकास्टिंग को फोकस कर सकती है, इसको डिटरमाइन कर सकती है। अब कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है द प्रेजेंट पीरियड कॉस्ट लेवल, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में जब प्रोडक्शन को फॉलो किया जा रहा है उस समय कॉस्ट का लेवल क्या है, उस समय ऑर्गेनाइजेशन कितनी कॉस्ट को इनकर कर रही है, वो हो गई आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन। और कॉस्ट फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में उसका लेवल ऑफ कॉस्ट कितना होगा, यानी कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में उसको एस्टिमेटेड या फॉरकास्टेड डिमांड के बेसिस पर कितनी कॉस्ट को इनकर करना होगा, तो हम इसे नाम देते हैं फॉरकास्टेड कॉस्ट का। आफ्टर दिस द फर्म मस्ट अंडरटेक कॉस्ट एस्टिमेशन एंड फॉरकास्टिंग टू जज द ऑप्टिमलिटी ऑफ प्रेजेंट आउटपुट लेवल्स एंड असेस द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यूचर। यानी कि जब एक बार आप कॉस्ट एस्टिमेशन और कॉस्ट फॉरकास्टिंग को डिटरमाइन कर लेते हो, तो उसकी ऑप्टिमलिटी को जज करने के लिए क्या करते हो आप, है ना, प्रेजेंट आउटपुट लेवल को मेंटेन करते हो और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हो, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को भी एसेस कर लेते हो। यानी कि प्रेजेंट में आपको कितने आउटपुट लेवल पर अपनी वर्किंग को एंश्योर करना है, और प्लस फ्यूचर में आप किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन को एसेस करो जिससे कि आप उसे ऑप्टिमम वे में अचीव कर सको। ये केवल केवल तभी डिसाइड किया सकता है जब फर्म प्रॉपरली कॉस्ट एस्टिमेशन और कॉस्ट फॉरकास्टिंग को डिटरमाइन कर लेती है। ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वी विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर। ओके, थैंक यू।